हेलो दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दैनिक रोजगार की ताजा खबरें आज 3 मई 2019 है और आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन इन बड़ी खबरों को जानने के पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों के पास, जिससे उन्हें भी इन सबके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। आपके शेयर करने से किसी का भी भला हो सकता है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप कोई भी वीडियो देखें, अगर आपसे संबंधित है, आपके दोस्तों से संबंधित है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत कई विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। परिणाम तो जारी हो गए हैं, लेकिन अभी तक चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। चयनितों को नियुक्ति न मिलने का कारण है अभिलेखों का सत्यापन न हो पाना। चयनित काफी परेशान है। परिणाम 1.5 माह पहले आया, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आयोग ने अभी तक संस्थि ही नहीं भेजी है। जब तक आयोग संस्थि नहीं भेजेगा, तब तक चयनितों की नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए आयोग को जल्द से जल्द अभिलेखों का सत्यापन करवाना चाहिए और आयोग को जल्द से जल्द संस्थि भेजनी चाहिए। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 46 के तहत सभी विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की संस्तुति की जा चुकी है। जिन चयनित ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें 6 मई तक कार्यभार ग्रहण करने का मौका दिया गया है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे, तो वे सभी 6 मई तक ग्रहण कर सकते हैं। उनको 6 मई तक मौका दिया गया है। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा और टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट पर क्या कार्य चल रहा है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम कराया गया था, उसका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब रिजल्ट घोषित करना है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों का रिजल्ट जुलाई में आ सकता है, जुलाई में आ सकता है। आप लोग अभी इंतजार करें, टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जुलाई में आ सकता है। जून में आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जून में ट्यूबल ऑपरेटर वीडियो का रिजल्ट आना है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट जुलाई में आ सकता है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको समय समय पर आपसे संबंधित जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।